ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई मैथ्स 2016 में पूछा था कि लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन प्लस वन, एन प्लस टू से थ्री एन अपॉन एन की पावर टू एन की एंटायर की पावर वन अपॉन एन इक्वल्स टू क्या होगा, ये अपने को सॉल्व करना है। ओके तो ये लिखा है लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन प्लस वन इंटू एन एन प्लस टू इंटू एन से थ्री एन को लिखा एन प्लस टू एन अपॉन एन के एंटायर की पावर एन। ओके ये लिखा है एन की पावर टू एन, तो ये एन एन ये हो जाएगा एन की पावर वन से टू से ले वन टू थ्री से लेकर एन तक जा रहा है, तो एन एन टू एन बार मल्टीप्लाई हुआ होगा तो एन की पावर टू एन हो गया। ओके ओके इसको हमने आइलेट कर दिया, ठीक दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो इधर लॉग लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग दिस एंड इधर हो जाएगा लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो पावर है वो नंबर्स की वो आगे आ जाएगी वन अपॉन एन एंड लॉग एन प्लस वन एन प्लस लॉग की प्रॉपर्टी से एन प्लस टू हम अलग अलग कर देंगे से जाकर लॉग एन प्लस टू एन अपॉन एन, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन एंड समीशन लॉग एन प्लस आर अपॉन एन एंड आर वन टू टू एन, ठीक। तो इसको हम इंटीग्रेशन में चेंज कर देंगे, तो ये है एल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू टू, लोअर लिमिट हो जाएगी, लोअर लिमिट की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगी वन अपॉन एन और एन टेंडिंग टू जीरो, अपर लिमिट की बात करेंगे तो टू एन अपॉन एन, तो ये हो जाएगी टू, लोअर लिमिट जीरो एंड टू। ओके ये सब लिमिट, तो ये हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ओके इसको सॉल्व करेंगे और लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट लगाने के बाद में ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा लॉग 27 माइनस टू, ठीक। तो एल की जो वैल्यू आएगी इसको भी लॉग में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। तो या तो इसको लॉग में कन्वर्ट कर दो या इसको ऐसे ही रहने दो, तो ये लिखा है ई की पावर लॉग 27 माइनस टू, तो ये लिखा है ई की पावर लॉग 27 अपॉन ई की पावर टू, ये एल, तो ये हो जाएगा 27 अपॉन ई की पावर टू, यानी कि 27 इंटू ई की पावर माइनस टू, तो ये अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 27 बाई ई इसको सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।